हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, शायद इसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता। और 15 अगस्त को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब सभी क्रिकेट फैंस आजादी का जश्न मना रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े फैसले का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने दी। महेंद्र सिंह धोनी ने एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में उनका फेवरेट गाना था, यानी कि मैं पल दो पल का शायर हूं। ये महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट गाना था। इस गाने साथ उन्होंने वीडियो पोस्ट किया और साथ ही साथ ये बता दिया कि उन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि काफी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान में वापसी करेंगे, क्या वो ब्लू जर्सी में नजर आएंगे। और बहुत सारी बातें ये जरूर हो रही थी कि सेमीफाइनल का जो मुकाबला था, यानी कि 2019 वर्ल्ड कप का, उसमें जो भारत मुकाबला हारा था सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ और महेंद्र सिंह धोनी रन आउट होके गए थे, वहां से ऐसा लग रहा था कि शायद महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है। और जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट का ब्रेक लंबा होता गया, उससे ये कयास, उससे ये संभावना और पुख्ता हो गई थी कि महेंद्र सिंह धोनी शायद ब्लू जर्सी में अब वापसी नहीं करेंगे। फिर भी क्रिकेट फैंस ये जरूर सोच रहे थे कि अगर मार्च अप्रैल में आईपीएल होता और उसमें महेंद्र सिंह धोनी अपनी फॉर्म को दिखाते, तो अक्टूबर नवंबर में जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से ब्लू जर्सी में नजर आ सकते थे। लेकिन शायद महेंद्र सिंह धोनी की सोच कुछ अलग थी और हमेशा से महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ अलग ही किया है। चाहे आप देखिए, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तब भी उन्होंने किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद प्रेस नोट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। वनडे की जब कप्तानी छोड़ी तब भी महेंद्र सिंह धोनी ने किसी को खबर नहीं लगने दी थी और अचानक से वनडे की कप्तानी उन्होंने छोड़ दी थी। और इस बार काफी लंबा गैप हो गया था और सब यही सोच रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी के जहन में क्या चल रहा है, उनकी प्लानिंग क्या है, क्या वो ब्लू जर्सी में नजर आना चाहते हैं। अगर आना चाहते हैं तो उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट अनाउंस क्यों नहीं की। अगर महेंद्र सिंह धोनी खेलना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो उन्होंने अभी तक खुल के इस बारे में क्यों नहीं बात की है। लेकिन शायद महेंद्र सिंह धोनी ने मन बना लिया था। और जैसे कि पहले भी खबरें आ रही थी कि 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, वही बात सच साबित हुई। लेकिन एक ग्रेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, अगर उनके करियर का एनालिसिस करें, आईसीसी की तीनों ट्रॉफी उन्होंने जीती, 50 ओवर वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत बड़े कप्तान, शायद भारत के क्रिकेट का जब इतिहास लिखा जाएगा और कप्तानी का शायद जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें धोनी राइट ऑन द टॉप होंगे। और यह भी देखा जाएगा किस तरीके से उन्होंने टीम को ग्रो किया टीम को, और साथ ही साथ बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो भी उनकी कप्तानी में आए। विराट कोहली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिनको सोचा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से उनको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन धोनी ने उनको एक चांस दिया एडिलेड में और फिर वहां से विराट कोहली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित शर्मा की हम बात कर लें, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे, उनको भी ओपनिंग में प्रमोट किया। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको, जो धोनी ने टीम इंडिया को दिए हैं। तो धोनी के क्रिकेट फैंस के लिए जरूर ये निराश करने वाली खबर है और पूरे जो क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके आगे के करियर के लिए। फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये कि 2020 का आईपीएल, 2021 का आईपीएल, ये महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, ब्लू जर्सी में नजर नहीं आएंगे। लेकिन धोनी का अगर आपको खेल देखना है तो फिर आपको येलो जर्सी में ही अब धोनी को देखना होगा। एक बड़े खिलाड़ी के करियर को हम कह सकते हैं कि उनका, उन्होंने अपने करियर खत्म कर लिया, लेकिन हमारी शुभकामनाएं महेंद्र सिंह धोनी के साथ है कि वो जो भी करे उसमें उनको कामयाबी मिले। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएल स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनफॉर्मल चैट्स, लंबा लंबा ज्ञान, इतना लंबा वीडियो आखिर कब तक? पॉइंट पे आओ ना यार, मुझे बेकार का ज्ञान नहीं, सटीक खबर चाहिए। अगर आप भी इनकी तरह बोरिंग चैट्स और लंबे लंबे वीडियोस से परेशान हैं तो सब्सक्राइब करें एनएन स्पोर्ट्स।